यो होई पब्लिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। केवन अच्छो एवरीवन। सो ये वीडियो है ना, वेरी स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये दशहरा सेलिब्रेशन के बारे में है एंड जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया गोवा में। तो मैं इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गोवा में इतना अच्छा दशहरा सेलिब्रेशन होगा। सो आई बीन टू कोलकाता एंड प्लेसेज इन मुंबई, बट गोवा विच इज़ नोन फॉर बीचेज एंड पार्टी, वहाँ पे दशहरा सेलिब्रेशन लाइक कुछ भी अलग ही एकदम। ठीक है, सो वी देर इज़ अ बिग कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी जो नेवी वालों का है, एंड सिंस माई डैड वॉज इन नेवी वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फैमिली एंड इवन मेरे खुद के मामा मामी उधर पे रहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए फॉर दशहरा सेलिब्रेशन एंड आई जस्ट लव्ड इट, आई जस्ट एन्जॉयड। सो ये जो वीडियो है ये टोटल दो पार्ट में बनने वाला है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट सप्तमी एंड अष्टमी, एंड पार्ट टू जो आएगा उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट नवमी एंड दशहरा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू विल श्योरली लव दिस वीडियो। सो आज है 11th अक्टूबर और मस्त वाला एक्साइटेड मॉर्निंग है आज, क्योंकि शाम को हमारा ट्रेन है गोवा के लिए। पैकिंग चल रहा है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। जर्नी स्टार्ट फॉर गोवा, गोवा वी आर कमिंग। सो 12th को अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड गोवा एंड ट्रेन थोड़ा लेट था एंड मामा हमको लेने आए थे, एंड घर पहुंच के सबसे पहला काम था कि रेडी हो और जल्दी से अपने अपने काम पे चले जाओ। तो हम घर पहुंच के रेडी होके तीन टीम में बट गए। पहला टीम था मैं और मामा और हम जा रहे थे कुकिंग के लिए पंडाल में। दूसरी टीम थी मम्मी पापा और माइमा जो जा रहे थे वट पूजा के लिए। तो ये जो वट पूजा है वो सबसे पहला पूजा है टू वेलकम गॉडेस दुर्गा, ठीक है। एंड तीसरा टीम था अकेले सौरभ जो सोने चला गया। देखो मन काशबन तुलछे जे शारी कबे ढाक देबे डाक दिन गुनछे जे तारी। देखो मन काशबन तुलछे जे शारी कबे ढाक देबे डाक दिन गुनछे जे तारी। शिवली माखा गल्प आगमनीर सुर কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুঃখ গাইলো। सो गाइज टुडे इज 12th अक्टूबर 2021 एंड आज है महासप्तमी। तो बंगाली में सप्तमी को बहुत बड़ा माना जाता है एंड आज के दिन बहुत बड़ा सा पूजा होता है जो कि तुम आगे वीडियो में देखोगे।
उसके अलावा यहाँ पे हम लोग सब मिलके साथ में खाना बना रहे हैं एंड खाने का मेन्यू है आज दाल खिचड़ी, फिर उसके बाद टमाटो चटनी, उसके बाद बन रहा है एक मिक्स वेज का सब्जी और फाइनली बन रहा है पायस। तो व्हाट इज पायस? पायस इज बंगाली का स्पेशल खीर, वो बन रहा है ठीक है, एंड उसमें मैंने भी हेल्प किया है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उसका पार्ट बना हूं। टमाटो कटिंग फॉर टमाटो चटनी, टमाटो चटनी विथ खजूर, यस सप्तमी, महासप्तमी। सो वट पूजा कंप्लीट हुआ एंड साथ ही साथ साइड बाय साइड हम लोगों ने खाना भी कंप्लीट किया, सब कुछ डन था। थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने चिल किया एंड देन हम लोग घर वापस गए सो दैट रेडी होए और वापस से हम पंडाल आए क्योंकि यार सप्तमी है, एंजॉय करना है। आफ्टरनून का पूजा कंप्लीट हुआ, देन हम लोगों ने खिचड़ी पायस वगैरह सब खाया एंड देन हम घर आए, थोड़ा सा बैठ के बातें वगैरह की, रेस्ट किया एंड देन वापस से रेडी होके शाम के आरती के लिए हम लोग गए मंदिर। एंड इस बार छोटा सा ही पूजा था बट मेन था कल्चरल एक्टिविटीज, बच्चों का डांस था, माइमा का डांस था एंड कोई भी पार्टी बिना पापा के गाने के तो नहीं खत्म होता, तो पापा का गाना भी था।
बीच मिश्रा अंकल की दोनों बेटियों ने डांस किया था रोंगोवती गाने पे, और वो मेरे पापा का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है, तो उसमें पापा का रिएक्शन देखो। पापा का सॉन्ग सुन के भर आंटी को आया जोश, तो आंटी ने क्या किया देखो। Today is day 2 of Goa and आज है अष्टमी, 13th October and आज अष्टमी है, and अष्टमी is the biggest day to celebrate दुर्गा पूजा in Bengali style. तो बहुत बड़ा पूजा होने वाला है, बहुत सारे competitions, dance, drawing, बहुत कुछ होने वाला है and बहुत सारे gifts भी मिलने वाले हैं, and ये सब तुम witness करने वाले इस वीडियो में and enjoy करना. So आज 13th है और अभी फिलहाल हो रहे हैं 5:15 AM और हम लोग आए हैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर ऑलमोस्ट 400 पीपल, एंड द प्लानिंग इज कि जो मेनू है वो सेम है लाइक यस्टरडे, खिचड़ी देन चटनी सब्जी एंड पायस, बट आज है ना 400 पीपल लोग के लिए खाना बनने वाला है, तो बहुत बड़ा सा इवेंट होने वाला है. एंड अभी फिलहाल हम लोग कुछ 3 या 4 लोग हैं एंड और भी लोग आ रहे हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फूड प्रिपरेशन. So let's see kya hota hai and kaise enjoy hota hai. Tum
তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়সো না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়সো না তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়সো না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়সো না ঘরে বসত করে তোমার ঘরে বসত করে তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে अष्टमी के जो शाम के आरती के बाद शुरू हुआ कंपटीशन धुनुची डांस का। अब बंगाली में धुनुची डांस बहुत सही होता है। उसमें क्या होता है, जो डांसर है उसके हाथ में होता है दो मिट्टी का कप। अब उस कप में होता है जला हुआ कोल। ना टास्क इस कंपटीशन ये है कि उनको जो ढोल के बीट के साथ डांस करना है, बट कोल थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए एंड उस पर उनका मार्किंग होता है। तो ये ना मैंने टीवी पे बहुत बार देखा था बट लाइव कभी देखा नहीं था और मैंने बहुत एंजॉय किया था एंड तुम भी एंजॉय करोगे। देखो सब कंपटीशन के बाद फाइनली अष्टमी का जो सबसे बड़ा पूजा होता है उसको बोलते हैं संधि पूजा, और वो हो रहा था रात को 11:25 को। एंड उसके लिए बहुत सारे प्रिपरेशंस थे, जो तुमने देखा दिया वगैरह हम लोगों ने तेल वगैरह रख के रेडी किए थे। तो अब वो 108 दिया जलाने का टाइम था और बहुत बड़ा पूजा होने वाला था। सेलिब्रेशन के बीच आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट जो क्लीनिंग स्टाफ थे कम्युनिटी हॉल ऑफ नेवी गोवा। उन्होंने हर एक काम के बीच में दे मेंटेन्ड द क्लीनिनेस द हाइजीन ऑफ दैट एरिया। और मेरे को सबसे अच्छा चीज लगा कि डस्टबिन्स जो थे वो ड्राई वेस्ट और वेस्ट वेस्ट में उन्होंने डिवाइड करके रखे हुए थे एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि लोग सही कचरा सही जगह डाल रहे हैं। तो सल्यूट फॉर दिस एंड आई रियली लव द वे यू डिड योर वर्क।
सो दिस वॉज सप्तमी एंड अष्टमी इन गोवा. नाउ नेक्स्ट वीडियो में प्लीज डू सी नवमी एंड दशमी. टिल देन टेक केयर, बाय. अरे एक मिनट, जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू